तो इस वीडियो में यहाँ पर एक सोलर लाइट इमरजेंसी लाइट बनाएंगे जो कि यहाँ पर सोलर से चार्ज होगा, जो कि यहाँ पर चार्ज करने का भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रहेगा लाइट ना, ये ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे कि दिन में तो ये बंद रहेगा, लेकिन लाइट रात होते ही ऑटोमेटिक जो है कि ये ऑन हो जाएगा। दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये ऑन भी हो जाता है, यानी कि आपको ऑन और ऑफ यानी कि बंद चालू करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और प्लस क्या है कि इसमें चार्जिंग भी जो है कि ऑटोमेटिक ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर बस छोटा सा सर्किट है दोस्तों, जो कि मार्केट में अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको काफी यहाँ पर महंगा मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि दो तीन कंपोनेंट लगा करके आप बहुत ही आसानी से इसको ऑटोमेटिक चार्जिंग वाला इसको जो है कि बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर का हमने यूज किया है, जो कि ये ट्रांजिस्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका नंबर है D882। तो ये ट्रांजिस्टर जो है कि काफी अच्छा खासा जो है कि यहाँ पर इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और एक हमने यहाँ पर लिया है डायोड, लिया है N4007 और एक 1K का रजिस्टर। तो ये सब काफी आपको नॉर्मली वैसे भी मिल जाएगा। और एक आपको यहाँ पर LED होगा, वैसे LED आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला LED है। तो ये यहाँ पर 4 वोल्ट का LED है, जो कि यहाँ पर इस बैटरी से यहाँ पर बहुत ही अच्छा जल जाएगा। यानी कि 3.7 वोल्ट का बैटरी, लिथियम बैटरी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि काफी देर तक ये जो है कि यहाँ पर चलेगा भी इसमें। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल है, इजी है। अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले में अगर हिंदी लिखा हुआ आपको दिख रहा है टेक्स्ट में, तो आप चाहें अगर उसको बंद करना तो बंद कर सकते हैं। जैसा कि आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल रहा है CC का ऑप्शन, तो उस पर टच करके आप बंद कर सकते हैं बंद करना चाहे तो, क्योंकि काफी भाई का यहाँ पर कमेंट आता है। तो चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक डायोड लेना है, ये डायोड, और इसको आपको कुछ इस तरीका से यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। इसका पिन आउट आपको हमने बताया नहीं, पिन आउट बता देते हैं। ये इसका ये वाला पॉइंट है, इसका ये वाला, ये इसका इमेटर हो गया, ये इसका कलेक्टर और ये इसका बेस हो गया। तो अभी डायोड का जो ब्लैक पट्टी है वो इस टाइप से लगा रहे हैं जैसा कि इमेटर की तरफ। तो कुछ इस साइड से रख के यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने में यहाँ पर आसानी पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, एक यहाँ पर रजिस्टर लेना है जो कि ये 1K का है, और इसके बेस वाला पॉइंट में आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेना है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये काफी छोटा सर्किट यहाँ पर रहेगा और बिल्कुल भी आसान तरीका है इसको बनाना। अब यहाँ पर चलिए हमको LED यहाँ पर जो है कि इसको सोल्डिंग करना है। तो LED का जो ये ब्लैक वायर रहेगा यानी कि नेगेटिव वायर, तो इसके बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसका बैटरी कनेक्शन करते हैं। तो ये जो मेरा रहा बैटरी, तो इसका ये ग्रीन वाला यहाँ पर नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है। तो इसका जो ग्रीन वाला जो नेगेटिव वायर है उसको हमको इस जगह में सोल्ड करना है, जो कि डायोड का यहाँ पर ब्लैक पट्टी है यानी कि इमीटर वाला पॉइंट पे ट्रांजिस्टर के। चलिए तो यहाँ पर करने से होगा क्या कि यहाँ पर क्या है ना कि ये चार्जिंग जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ये होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चार्जिंग भी जो है कि ये होता रहेगा। ये काम किस तरीके से करेगा, जैसा कि इसका यहाँ पर इस जगह पर आपको इनपुट कराना है। चलिए यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर पॉजिटिव बच गया है, ये बैटरी का और इसका, यहाँ पर आपको स्विच लगा लेना है ऑन ऑफ के लिए, लेकिन हम यहाँ पर स्विच नहीं लगा रहे हैं, इसको डायरेक्ट जो है कि हम इस तरीके से इसको सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑन ऑफ स्विच आप यहाँ पर जरूर से लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं लगाइएगा तो ये फिर डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा, और आपको चाहे तो यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे तो ये दिन में बंद ही रहेगा, रात में चालू होगा, वैसे तो ये चालू होगा नहीं। चलिए दोनों को जो है कि आपस में हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अभी जैसा कि इसको आपको चार्ज करने के लिए, जैसा कि हमने बताया ये सोलर लाइट था, तो आपको कोई भी एक सोलर ले लेना है। मेरे पास ये देखिए एक पुराना सोलर है जो कि पहले का था, ये एक इमरजेंसी लाइट में यहाँ पर से हमने निकाला है। तो आप भी चाहें तो कोई भी इमरजेंसी लाइट में से सोलर निकाल सकते हैं, जो कि पहले का पुराना कोई सा भी आपके पास होगा तो आप ले लीजिएगा। ऐसा है या फिर चरखुट्टा होगा, इतना बड़ा होगा, कोई सा भी होगा, तो उसको आपको ले लेना है। और यहाँ पर से आपको दो वायर आपको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से दो वायर आपको निकाल लेना है। लेकिन इसमें हम अभी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हमको यहाँ पर वोल्टेज इसमें से अभी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर जाने से ये जो है आउटपुट यहाँ पर 5 वोल्ट तक, 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट तक ये आउटपुट दे देता है, हमने खुद यहाँ पर टेस्ट किया है। तो चलिए यहाँ पर तो इसको लाइट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको वही करना है, दो पॉजिटिव आपको इस जगह पर देना है। चलिए यहाँ पर हम देखे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो इसको देंगे, तो वहाँ से हम देंगे इसको पावर सप्लाई से, तो मेरा पावर सप्लाई से यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट दे देंगे, यानी कि 4.4 वोल्ट 2 वोल्ट इसमें हम इसको आउटपुट इनपुट कराएंगे। तभी हमको क्या करना है, ये जो दोनों वायर है इस रजिस्टर पे हमको सोल्ड कर देना है, ठीक है, इस रजिस्टर पे। जैसे ही सोल्ड करेंगे ये लाइट यहाँ पे जल जाएगा। ये देखिए ये लाइट यहाँ पर जल जा रहा है, ये फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर जलता है, आप देख सकते हैं।
फुल ब्राइटनेस में यहाँ पे जल रहा है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आँख पे लग रहा है और यहाँ पर जो है कि लेंस पर रहेगा। चलिए इसको इस तरीके से यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं पहले, तभी जो है कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए इसको हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। अभी जैसा कि जो सोलर का जो वायर आएगा, ठीक है, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर से माइनस और प्लस दो वायर आएगा, तो मान लीजिए ये सोलर का तार है क्योंकि यहाँ पर जो है कि वोल्टेज नहीं मिलेगा दोस्तों, इसके चलते हम यहाँ पर सप्लाई से दे रहे हैं 4 वोल्ट यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो नेगेटिव है आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे देना है इसके बेस पर, यानी कि ट्रांजिस्टर वाला बेस पर, ठीक है। नेगेटिव हमने यहाँ पर दे दिया है और इसका जो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है इस जगह पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर इसको सप्लाई मिला, यहाँ पर हुआ क्या कि लाइट जो है कि बंद हो चुका है। चलिए इसको सीधा कर देते हैं, यानी कि दिन में ये बंद रहेगा और जब ये लाइट बंद है तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से इसको बैटरी को डायरेक्ट पॉजिटिव मिल गया और यहाँ से डायोड के थ्रू यहाँ पर इसको नेगेटिव मिल जा रहा है। तो अभी यहाँ पर बैटरी जो है कि चार्जिंग पर ऑटोमेटिक यहाँ पर लग चुका है, और जैसे ही मान लीजिए रात होगा तो इसका चार्जिंग तो ऑटोमेटिक बंद होगा ही, प्लस ये लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगा। देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से, ये देखिए लाइट जो है कि फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर जल चुका है, और जैसे ही इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये जो है कि बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज जो है कि आप अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऑन ऑफ का भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जब लाइट कटेगा तब भी जो है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ये काम करेगा लाइट आपको ऑन करने के लिए। बस आपको एक यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच लगा लीजिएगा बाय चांस ऑन ऑफ करने के लिए। वैसे तो ये दिन में बंद ही रहेगा क्योंकि दिन में तो दिन रहेगा, सोलर में आपको यहाँ पर लाइट आते रहेगा, और सोलर आपको बाहर लगाना है क्योंकि घर में तो ये काम करेगा नहीं। ये इसलिए हमने यहाँ पर बनाया दोस्तों, क्योंकि इसको घर में रखेगा तो ये चार्जिंग पे तो काम करेगा नहीं, सोलर का कनेक्शन आपको बाहर से करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रहे। ऐसा नहीं कि लाइट में ही फिक्स कर दीजिएगा, तो घर में तो ये उतना वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट देगा ही नहीं। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर अगर इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट के करीब इस तरीके से देगा, तो उतना में तो ये बैटरी भी चार्ज नहीं होगा। तो ये सोलर बाहर रहेगा, आपका लाइट जो है कि अंदर रहेगा, तभी जो है कि अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। चलिए छोटा सा ये वीडियो था, इसको हटा देते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।